ठीक है ना, ओके। तो ये थ्योरम है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट को पता है हम लोग को, ओके। हम लोग यूज भी किए हैं इसके कॉन्सेप्ट को, बट यस ये इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। इस थ्योरम को पहले हम लोग प्रूव करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए सब कुछ। सो आई थिंक सारे बच्चे अब आ गए हैं क्या? ओके, संचिता आवाज आ रही है बाबू? सर, आदित्य नहीं आया। कोई बात नहीं, वहां देते उस दिन भी नहीं आया था। हाँ सर, चलिए तो फिर सबसे पहले हम लोग देखो कि यहाँ पे क्या थ्योरम में बोला है प्रूफ करने के लिए, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, तो एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। मान के चलो ऐसे कुछ क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा ही कुछ, कोई दिक्कत? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा है ना फिगर? ओके, तो इसके नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, ए बी सी एंड डी। ओके, सब दिख रहा है आपको क्लियर? यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका हिडन हो गया है, और ये डी है। यस तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो डी को टच कर रहा है, और यहाँ पे दो ट्राइंगल आपके पास दिख रहा होगा, ए बी डी और बी सी डी। आपको मैं फिगर से दिखाता हूँ, देखो है ना, दिख रहा है ना, ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है बी सी डी। तब आपको क्या प्रूफ करना है, ये तो थ्योरम में क्लियर हो गया है पहले ही, फिगर बना लीजिए आप। यस सर, बना लिए। तो प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूफ करना है ना। यस सर, सबको क्लियर हो रही है आवाज? हाँ सर, यस ओके, सर, तो देखो करना क्या है ना, पहले तो हम लोग यहाँ पे एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो पहले ही, गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है ना। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने किया है छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, बी से डी को ज्वाइन किया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी। ओके, अब हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पे एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एंगल है वो 360 डिग्री होगा। तो अब हम लोग को देखो, समझो, जैसे ही हम लोगों ने बी से डी को ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे एंगल्स डिवाइड हो जाएगा कुछ, दिख रहा है ना, ये पूरा जो एंगल बी और डी है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ये एंगल वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, और ये पूरा कंप्लीट एंगल है। एंगल ए और सी आपको क्या दिख रहा है, पूरा कंप्लीट है, और बी और डी को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वन टू, इसको थ्री और फोर कर देते हैं, समझ में आ रहा। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, फिर ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल थ्री, वो एंगल फोर है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा आपको सबको? अब देखो हम लोग को ये पता है कि एक ट्राइंगल में, देखो लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी में हम लोग को क्या पता है कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है बाबू, बोलो। वन एटी डिग्री होता है, हाँ सर, ये क्वेश्चन नंबर वन है। संचिता, समझ में आ रहा बाबू आपको? बी सी डी में देखो, एंगल टू प्लस सी प्लस फोर है ना, ऐसे ले सकते हैं एंगल सी प्लस
प्लस फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बोले ये क्लियर हो गया। दो अलग अलग ट्राइंगल में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया है। सर आप सर रुकी रुकी सर आप 103 मतलब एंगल पकड़ लिए क्या, मतलब 103 यस और ये 2 और 4 यस ये 2 ये 4 मतलब इस ट्राइंगल के लिए ये 2 है ये 4 है और ये सी है ना, तो इन तीन एंगल्स के सम 180 और यहाँ पे एंगल 1 3 और ये एंगल ए जो पूरा है तब तो निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बोले दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सबको समझ में आ रही है बात? संचिता बुझते पार छो? अपनी की बुझते पार छो? तो संचिता शैन यस सर देखो तो ऐसा कुछ होगा, देखो तो एंगल ए प्लस सी 1+2 और 3+4 है ना, तो हम लोगों ने सबको ऐड करते गया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी 1+2, इस 1+2 को पूरा को ऐड करेंगे तो एंगल बी आएगा क्या, देखो तो यस और 3+4 को ऐड करेंगे तो एंगल बी आएगा, एंगल सी डी एंगल डी सॉरी एंगल डी तो ये हो जाएगा 360। देखो जो हम लोग को प्रूफ करना था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू सर सर मैं एक चीज बोलूं सर, बोल रहा था जो ये यहाँ पर आप बी में 3-4 लिख रहे तो मैं 3-4 बी में भी लिख सकता था मतलब 3-4 हाँ कहीं भी लिख सकते हो। सर ठीक है आप एसी को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी एंगल 1-2-3-4 कर सकते हो, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी कर सकते हो, कुछ जो आपको मन है वो कर सकते हो, ऐसे भी वो तो एलिमिनेट हो जाएगा जब आप ऐड करोगे तो वैसे भी वो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये था देखो थ्योरम, हम लोगों ने बेसिक थ्योरम पढ़ा है, यूज किया है बहुत बार कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, पर कैसे होता है ये आज हम लोगों ने प्रूफ देख लिया इसका, ठीक है। तो आप लोग कॉपी कर लो बाबू, जिन बच्चों को ये कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए आप लोग, ओके दिख रहा है ना सबको, सबको ये दिख रहा है? यस सर। ओके हेलो 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 सर बोलो सर क्या बोलो बोलो कैसे हो तुम? अच्छा नहीं समय गंदा ठीक है गंदे हो गुड। अच्छा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया था ना क्वाड्रिलेटरल का एंगल से रिलेटेड? यस सर किए थे। गुड सर फिनिश्ड कॉपी सबका हो गया? चलो एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फिर, ठीक है। एक क्वेश्चंस करें? हेलो सर यस सर दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, दिस इज थ्योरम। ओके हाँ सर सर हो गया ना। गुड संचिता क्लियर हुआ बाबू? यस सर। सर आदित्य बोल रहे हैं आपको कुछ मतलब उसको कोई सुनाई नहीं दे रहा तो उसको बोलो कान खोल लेने। हेलो सुबह बांग्ला बोलबे एखने ठीक है আমি বাংলা শিখতে চাই। সবকা হো গিয়া হয়ে গেছে সবাই?
हेलो yes. हेलो हेलो सर हाँ हो गए नेक्स्ट सैन सुरेश पॉल हाँ सर हो गया सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है एक फिगर दिया हुआ है ओके और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है ओके x plus y is equal to a plus b देखते हैं कौन बनाता है चलो ट्राई करो तो देखें कौन घर में पढ़ाई कर रहा है मेरे को पता चल जाएगा आज अच्छा आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी वाला पढ़ा है टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल हेलो हाँ सर पढ़े तो हैं बस उतना याद नहीं है वो गुड तो पढ़े हैं हम लोग सर जिसमें मतलब क्या बोले a equals to मतलब angle ABC equals to ऐसा कुछ था मतलब 1 2 3 करके हम समझ गए कि तुमको नहीं आता है चलो ये ट्राई करो क्वेश्चन आदित्य प्रकाश मेरी आवाज आ रही बाबू आदित्य ट्राई करिए आप लोग ये क्वेश्चंस को होगा ये क्वेश्चन देखो तो बनेगा सबसे रुकिए थोड़ा
संजीता बन रहा बाबू? सर क्या करें, नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे हो? सर आई कांट नॉट डू दिस 1 + 6 सर 1 सर आप दिखा दीजिए, दिखा दे। ये देखो बहुत इजी, देखो अगर तो मैं दिखाऊंगा तो तुमको लगेगा कितना इजी था। देखो सिंपल, देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बोले तो ये, यस सर। अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला एंगल 180 डिग्री माइनस बी, यस सर। और यहाँ पे भी सेम है ना, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, होगा? यस सर, हो गया ना। अब हम लोगों को क्या पता है बोलो, कि एक क्वाड्रिलेटरल के तीन सॉरी फोर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 मतलब वो x प्लस y प्लस 180 माइनस a माइनस प्लस 180 माइनस b इक्वल्स टू ये होगा। देखो तो अब देखो यहाँ पे ये x प्लस वाई, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ओके ये 180, ये 180 कितना हो गया, 360 हुआ। और ये 360 से कट जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों जो a और b है उसको इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कितना हार्ड था बताओ? सर यस सर, आई थॉट द b वाज 6 सो इट वाज नॉट कमिंग। B was 6. सर मैं अब जो 180 माइनस बी और 180 माइनस ए पकड़ लिया ना, मैं उसको सर 102 पकड़ रहा था, यही था प्रॉब्लम। बाकी सब ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ थ्योरम्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे, ओके? पेज टर्न करें, ये सबका हो गया। हेलो, ये सबका हो गया, पेज टर्न करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर, मैं पेज टर्न करूं सबका, कॉपी करना। हाँ सर, हो गया मेरा। सुरेश पॉल? यस सर। संजीता, आदित्य? यस सर। ओके गुड, अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। ओके और कोई क्वेश्चंस कराने लायक है? ओके, आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे हो ना बाबू? हेलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, ध्यान से देखिए। एक फिगर है आपके पास, फिगर कुछ ऐसा है कि ये एक स्क्वायर है और इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
दिख रहा है? ए बी सी डी और ई e. ठीक है, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में द एडजॉइनिंग फिगर फिगर ठीक है, एबीसीडी ये स्क्वायर, एबीसीडी ये स्क्वायर एंड ट्रायंगल ईडीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके। सो यहां पे बोला गया प्रूव दैट ए इक्वल टू बी और एंगल डी ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। चलो ट्राई करो तो बाबू, मैं इसको थोड़ा मूव कर रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, दिख रहा है कि नहीं सबको? दिख रहा है ना आप? ये बनेगा क्या? देखो तू करते हैं सर, कोशिश करते हैं सर। एंगल ए डी डी ए इक्वल्स टू 15 डिग्री है, 15 डिग्री सबको दिख रहा है ना? 15 डिग्री देखो तो ये बनेगा क्या? सर ये ए और बी को इक्वल करना है, इसके लिए आपको दो ट्रायंगल लेना होगा एडी सर, इधर एक ट्रायंगल एडीई और इधर एक ट्रायंगल बीईसी, दोनों को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट A, B, E is also a triangle. नहीं नहीं आपको जो ट्रायंगल लेना है दो वो मैं बता रहा हूँ, ए डी ई और बी सी। हुआ क्या? देखो तुम सर, रुकिए 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 एक मिनट, आप समझ पा रहे हो क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? देखो एक्चुअली स्क्वायर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल दिया हुआ इक्विलेटरल, तो पहले ये समझ लो कि यहाँ पे ये जो साइड होगा ना, ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है,
ओके, क्योंकि ये वाला साइड जो कॉमन आ गया है ना स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इसका मतलब सारा साइड्स आपस में इक्वल है, पहले ये समझ लो। हाँ सर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारा साइड्स ऑलरेडी इधर इक्वल है, और ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक साइड है, इसका मतलब ये साइड तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो मतलब पूरा साइड ही आपस में इक्वल है। जो जो साइड है यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ई डी इक्वल टू ई सी। ओके यस सर। साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो, अगर क्राइटेरिया पता है आप लोग को, ये तो बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। होगा क्या देखो तो कभी बन रहा है किसी का
क्या कर रहे हो? कोई कौन इतना पेज पलट रहा है? ढूंढ रहे थे सोल्यूशन का। सर आप थोड़ा दिखा दीजिए। ओके देखो, मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ हिंट्स दिया था, अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे इंट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल बीसी। ओके देखो, फर्स्ट जो होगा, देखो यहाँ पे एडी इक्वल टू बीसी होगा। सर मेरा उल्किया हूं मैं, और एंगल एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। ये जो पूरा जो एंगल है ना एडी इक्वल टू एंगल बीसी, पूरा इक्वल होगा। क्यों बोले तो देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है उस दिन, कल ही पढ़ा ना लास्ट क्लास में। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी हम लोगों को पता है ना। तो पूरा कंप्लीट एंगल देखो तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 150, यहाँ पे कंप्लीट एंगल 150 हो रहा है दोनों का। हेलो सर, है ना। और थर्ड पॉइंट डी इक्वल टू सी, डी इक्वल टू सी होगा ना। तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, थ्रू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ए इक्वल टू सी। बस सॉरी, ए इक्वल टू बी ना, सी तो ऑलरेडी प्रूव है। तो ये लेंथ ए इक्वल टू बी होगा, क्लियर है। अब बोला गया है कि बी ए इक्वल टू, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये 15 डिग्री होगा, इसको प्रूव करना है। तो सिंपल है, क्यों? देखो यहाँ पे ये जो साइड है एडी और ये जो साइड है डी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा ना। देखो समझो, एंगल ए डी ई में, ठीक है, हम लोगों को क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। पहले ये बताओ होगा, एंगल ए का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट एंगल ए का जो वैल्यू है वो एक्स है। तो जो एक्स का जो मतलब एंगल ए का जो वैल्यू एक्स ले रहा हूँ, यही एंगल ई का लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे साइड्स AD और D जो है वो आपस में इक्वल है, दिख रहा है? Yes, sir. तो एंगल D का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, 150 प्लस एंगल E का वैल्यू फिर से x डिग्री है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और x कितना हो गया बाबू,
2x और इस 150 को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 150 तो 2x इज इक्वल टू 30 तो देयरफॉर वो दिख नहीं रहा ना x इज इक्वल टू आ गया ना बस एंगल लिख सकते हैं कि DAE इक्वल टू 15 डिग्री ओके क्या हेलो सर तो समझ गया हेलो हाँ बोलो बाबू हाँ सर समझ गया हो गया सब कॉपी कर लीजिए आप लोग यस सर समझ में आया सबको यस सर कॉपी पेस्ट एंड करूं नो सर नो सर सर फिनिश्ड कॉपिंग सबका हो गया पेस्ट एंड करो यस सर ओके अब देखो हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है पैरेललोग्राम का ओके सो हम लोग वन बाय वन उसको समझते हैं ठीक है बाबू लिखा हुआ है फर्स्ट थ्योरम है आपके पास बोला गया प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम देखो फर्स्ट क्या प्रूफ करना है ईच डायगनल्स divides the parallelogram into two congruent triangles. इसके बाद second जो proof करना है आपको opposite sides are equal. थर्ड नंबर जो आपको प्रूफ करना है दैट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ये तीन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया गया है ओके और आपको भी ऐसे आसानी होगी तो बोला गया देखो क्वेश्चन में इस थ्योरम में एक्चुअली कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको एज्यूम करना है और इस पैरेललोग्राम में सबसे पहले जो प्रूव करना है कि उसका एक डायगोनल जो होगा ना या एक क्या हर एक जो दो डायगोनल होता है तो कोई भी एक डायगोनल जो होता है उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो क्या करता है उसको डिवाइड करता है फर्स्ट हम लोग को ये प्रूफ करना है क्लियर हो रहा है देखो तो ये पॉइंट
Each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. Okay. इसके बाद मतलब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है बोलो तो, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं सर, ये क्या एंगल साइड एंगल से जाएगा? सबसे पहले यहां देखो, मैं जो बता रहा हूं, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिख रहा है ना, एबीसीडी, ये एक पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक एसी को डायगोनल बनाकर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहला आपको, सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे जो डायगोनल है एसी, ये इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा, मतलब ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ये होगा, ये प्रूफ करना है मेरे को। समझ में आया आपको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी। सेकंड में देखो, सेकंड पढ़ो, क्या प्रूफ करना है बाबू? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब AB जो सर एंगल AD, सर एंगल AD इक्वल्स टू एंगल AB, और एंगल नहीं, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हां मतलब AB इक्वल टू CD एंड BD, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है और AD इक्वल टू BC प्रूफ करना है। क्लियर हो रहा है? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, क्या प्रूफ करना है? और थर्ड पॉइंट बोला गया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। समझ में आया? चलो स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करो कि मैं बताऊं? सर कैन यू से रिपीट द नंबर वन पॉइंट? यस, ईच डायगोनल्स डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट इज आपको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखो डायगोनल मैंने एक ड्रॉ किया ना एसी, आपको दिख रहा है डायगोनल एसी, ये जो डायगोनल एसी ड्रॉ किया है इस पैरेललोग्राम में, देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी, दिख रहा है संजीता? यस सर। ओके, दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। फर्स्ट में यही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो एडीसी का, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ओके सर, मैंने किया एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ओके ओके ओके, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो पहला आपको क्लियर हो गया क्या प्रूफ करना है आपको? हाँ। कि अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल एसी ड्रॉ कर रहे हैं तो दो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी और एडीसी, अगर हम लोग डायगोनल जो अगर बीडी ड्रॉ करते हैं तो कौन सा दो ट्रायंगल बनता है? एबीडी और बीसीडी। तो जो भी दो ट्रायंगल बनेगा वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप बीडी को डायगोनल करोगे तो भी आप बना सकते हो ऐसे, यहाँ पे मैं एसी को डायगोनल पकड़ रहा हूँ, ठीक है सर? एसीसी हो जाएगा एंगल साइड एंगल। हाँ सर, वही तो मैं बोला एंगल साइड एंगल। पहले मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इसके बाद आप लोग ट्राई करना, ठीक है? देखो थर्ड वाला बाकी था वो सुन लो, बोला गया था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है बाबू? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है और ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना वैसे? और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या प्रूफ करना है बोले तो, कि एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। समझ में आ गया ना? और यहाँ पे बोला गया तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो दो ट्रायंगल हम लोगों को क्या लेना है? एबीसी और एडीसी। हाँ, अब बताओ तुम लोगों को, तुम लोगों ने क्या किया? चलो अब कौन क्या बोल रहा था सुनते हैं हम उनका। चलो बताओ सर, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है दोनों ट्रायंगल? एंगल एंगल साइड एंगल एएसए कैसे? हेलो
बोलो सर, ये एंगल साइड एंगल से जाएगा, मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, सी बी इक्वल्स टू ए डी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, तो ए ट्राइंगल ए बी सी. वेट, क्या बोले, बोलो फिर से, बोलो वन बाय वन बोलो सर. लाइन एंगल ए सर, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सर, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी. तो अपोजिट एंगल्स तो प्रूव ही करना अभी है आपको. अभी तक प्रूव कहाँ किया है आपने, ये प्रूव किया क्या आपने कि एंगल बी और डी इक्वल है? सर प्रूव कर दिया. कहाँ प्रूव किया? फर्स्ट में ट्रायंगल वाला कैसे प्रूव किया, वही मैं पूछ रहा हूँ. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया आपने? सर एसी दोनों में एसी लाइन कॉमन है. यस वेरी गुड. फिर एंगल ए D A C is equal to angle B A C. D A C equal to ये angle किसके equal होगा? ये वाला angle होगा इसके equal, जिसके बगल में है B A C. ये वाला. हाँ. ये कहाँ लिखा हुआ है कि triangle bisect कर रहा है angles को? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है अभी तक. जो देखो तुमको जो पहले से पता है, जो properties लगा सकते हो पहले का लाइंस एंड एंगल्स ऐसे कुछ पैरेलल लाइंस का, वो लगाओ. यहाँ पे वैसे नहीं होगा. देखो समझो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो. देखो यहाँ पे ये लाइन क्या होता है, सुनो सुनो आप सुनो सर, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो फिर वो वाला यस सपोज होगा. ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है और एसी क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, पहले बोलो यस. यस और सेम ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बोलो यस. यस और एसी तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल साइड से ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट. बोलो समझ में आया? यस सर. फिर दोनों नंबर टू नंबर थ्री अपने आप, जब दोनों ट्रायंगल आपस में, सुनो, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, तो ये दोनों वाला पॉइंट तो आराम से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग. इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो आप इसमें इजीली दिखा सकते हो. पसंद आ रही बाबू? यस सर. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी इक्वल टू डी होगा, होगा ही ऐसा. मैं कर दूं कि आप लोग कर पाओगे, पहले ये बताओ. चलो कर लिए. संचिता हुआ बाबू? मेरा तो हो गया. हेलो हेलो संजीता, आदित्य प्रकाश, शिरोज पॉल, शयन मांझी. यस सर. हो रहा है आप लोग का कि मैं कर दूं? नहीं सर, कर लेंगे. हाँ सर, हो गया. संजीता आपका हुआ? बाबू हेलो. हाँ सर, सर हो गया. सर आप, सर आप यहाँ पर जो ए डी ए सी डी और ए डी पैरेलल पकड़े हैं ना? हाँ सर. मैं वो सी बी और ए डी पकड़ सकता हूँ पैरेलल? किसको? इसको सी डी सी बी और ए डी को? हाँ 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 पकड़ सकते हो. लेना होगा, बीडी लेना होगा. तब मेरा हो गया. हाँ सर, ये और ये लाइन पकड़ोगे तो डायगोनल आपको बीडी ड्रॉ करना पड़ेगा उस समय, ठीक है? ओके सर. सबका हो गया क्या? हेलो सर, थोड़ा बाकी है. सर हो गया मेरा. संचिता कुछ बोल नहीं रही, क्या बात है बाबू? हेलो. ओके, जिन बच्चों को हो गया है मतलब एक और थ्योरम करेंगे, इसके बाद आज का क्लास ऑफ करेंगे यहाँ पे. ओके, आज हम लोग थोड़ा सा ठीक है.
आज हम लोग थोड़ा यहाँ तक ही छोड़ेंगे आज. आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से. अगर देखो मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया ये तीनों थ्योरम तो मेरे को बोल मुझे बोल सकते हो, ठीक है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा. अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है. ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. बोला गया प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब समझ में आता है, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. मैं आपको एक पैरेललोग्राम बनाकर समझा देता हूं, अगर आप बना पाओ तो अच्छी बात है, वरना मैं बना दूंगा. देखो है ना, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम एज्यूम कर ले रहे हैं एबीसीडी. इसके दो डायगोनल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है. इसके दो डायगोनल्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, एसी और बीडी, है ना, जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान के चलो. तो मेरे को क्या प्रूफ करना है बोले तो, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे नहीं बोला गया प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब दोनों डायगोनल जो होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो AO इक्वल टू OC प्रूफ करना है और OB इक्वल टू OD प्रूफ करना है. देखो एक कर पाओगे क्या आप लोग? यस सर. कर पाओगे ना? यस सर. सिंपली देखो वे मैं बता रहा हूं मैं. देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको लेना होगा, ये वाला AOB और COD. ये दो ट्रायंगल ले लो, इजिली हो जाएगा. देखो कैसे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. बोलो हाँ. यस सर. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना. और एक साइड भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज AB इक्वल टू CD. तो आप ये क्राइटेरिया आप ले सकते हो. एंगल एंगल साइड का भी यहाँ पे देखो क्राइटेरिया यूज हो जा रहा है ना. ये एंगल छोड़ दो, यहाँ पे एंगल वाला इस एंगल का अभी काम ही नहीं है. इसका एंगल काम देखो, AB इक्वल टू CD है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा ना ये अपोजिट साइड आर इक्वल. तो इस कॉन्सेप्ट का अब हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके सर, एंगल ए एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. देखो फर्स्ट जो पॉइंट होगा ना, पहला तो होगा कि AB इज इक्वल टू CD जो मैंने अभी बताया. सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा बोलो तो क्या, एंगल BA इक्वल्स टू एंगल D. नहीं वैसे ये पूरा हो जाएगा ना, इसको आधा है ये नहीं, ये वाला पार्ट तो आधा है. तो OAB बोलना होगा, तो OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ठीक है. OAB इज इक्वल टू OCD और यहाँ पे ODC इक्वल टू एंगल OBC. OBA is equal to angle ODC होगा. तो ये दोनों ही ट्रायंगल AOB congruent है. Congruent to triangle COD होगा through angle-angle similarities. बोलो हाँ. Yes. तो जैसे ही हम लोग ये बोलेंगे तो इनके साइड्स आपस में इक्वल होंगे ही. तो AO equal to OC बोल सकते हैं और OB is equal to OD बोल सकते हैं. बात समझ में आ रही है? Yes. चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ही ऑफ करते हैं, ठीक है. आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है प्लीज आप उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आगे का जो थ्योरम्स है हम लोग आगे करेंगे, ठीक है. संचिता आवाज आ रही बाबू? यस सर. ओके, आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना आप उसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करिए. ज्यादा मतलब अगर ये ज्यादा होगा तो हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ. पहले प्रोग्राम्स जो जो आज प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हैं उसको आप करिए. दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और अगले क्लास में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके कुछ थ्योरम्स में, ठीक है. क्लियर है ना सबको? यस सर. क्लियर है ना सबको? यस सर. ओके बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Bye, sir. Bye, sir.